आप कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया आपका? कांग्रेस के विधायक थे, विधायक की आवाज अगर नहीं सुनी जा रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर तो आम जनता का क्या हाल होगा? क्या आपने जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, उनको बताने की कोशिश की, संगठन के लोगों को बताने की कोशिश की, उनका क्या रिएक्शन? अच्छा, एक आखिरी सवाल ये शिशुपाल जी, कांग्रेस सरकार 74-70 सीट से 34 सीट में क्यों सिमट गई, इसकी क्या वजह थी? हमारे साथ लुंकड़ जी भी हैं, आप जिला के अध्यक्ष वहां पर रहे हैं, क्या कहना है, आखिर क्या वजह थी आपके कांग्रेस छोड़ने? आपके भाई कांग्रेस में मंत्री रहे और आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, क्या वजह है? आपके भाई कांग्रेस में रहे, भाई ने आपको रोका नहीं कि कांग्रेस मत छोड़ के जाओ? कांग्रेस पिछली बार में सत्ता क्यों गंवाई यहाँ पे, क्या लग रहा है क्या वजह थी सत्ता नहीं आ पाई? आपके भाई के हारने की क्या वजह थी? भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश उत्सव का कार्यक्रम लगातार कराया जा रहा है और इस बार कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है शिशुपाल सोरी, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आप कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया आपका? कांग्रेस से मोह भंग होने के बहुत सारे कारण हैं। मुख्य रूप से जो कांग्रेस का संगठन है इतना कमज़ोर हो गया है कि उनके हमारे जितने भी नेता थे सब अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक आकांक्षा पूरा करने के लिए ये अपने कार्यकर्ताओं को भूल गए थे। इसीलिए कार्यकर्ताओं और ये जो नेताओं के बीच खाई बढ़ गई थी, इसकी वजह से कोई भी योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, अगर उसमें कहीं भी व्यवधान होता है तो ऐसे व्यवस्था के खिलाफ हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी और अगर बेहतर विकल्प मिलता है तो वहां हमको जाना पड़ेगा। आप कांग्रेस के विधायक थे, विधायक की आवाज़ अगर नहीं सुनी जा रही थी कांग्रेस पार्टी के अंदर तो आम जनता का क्या हाल होगा? क्या आपने जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, उनको बताने की कोशिश की, संगठन के लोगों को बताने की कोशिश की, उनका क्या रिएक्शन? ये मंत्रियों से आप पूछो ना, वो जो कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम तो विधायक थे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रही है आज, वो उनके जो दर्द है वो हमसे देखा नहीं गया। आज हम उन्हीं के दर्द का हम एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस पार्टी में हमें मान सम्मान मिलेगा कार्यकर्ताओं को, हम उस पार्टी में जाएंगे और मोदी जी का जो अभी विकास का जो मॉडल है गरीबों का लिए और हमारे आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, खेतीहर मजदूरों के, सबके लिए। अच्छा, कांग्रेसी तो ये बोल रहे हैं कि आपको टिकट नहीं मिली इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी। आज आपने देखा होगा हजारों के तादाद में आज हैं, वो कितने लोगों को टिकट नहीं मिली इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये उनके कहने की बात है। बाकी जो आक्रोश है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, यही तो हमारी दर्द है कि उनको कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये शिशुपाल जी, कांग्रेस सरकार 74-70 सीट से 34 सीट में क्यों सिमट गई, इसकी क्या वजह थी? आपने देखा होगा कि हमारे बस्तर और ये सरगुजा दो संभाग ऐसे हैं जहां से सत्ता की कहते हैं कि चाबी वहीं से खुलती है, वो वहां से ही इनको पराजय हुई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से चूक हुई है। यहाँ जो बहुसंख्यक हमारे आदिवासी भाई हैं उनकी चिंता करना वो लोग छोड़ दिए, अपने चिंता में मगन रहे और इसीलिए ये दुर्गति झेलनी पड़ रही है। क्योंकि मैं आदिवासी समाज का एक पदाधिकारी भी हूँ और गौंड समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और हमारी जो मोदी सरकार ने जो हमारे आदिवासी समाज को गौरवान्वित करने का काम किया है, राष्ट्रपति जैसे पद पर हमारी जो आदिवासी जो महिला है उसको सुशोभित किया है, जिससे हम सब गौरवान्वित हैं। और आज जो मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपने बीजेपी प्रवेश किया है वो भी आदिवासी। चलिए, हमारे साथ लुंकड़ जी भी हैं, आप जिला के अध्यक्ष वहाँ पर रहे हैं, क्या कहना है, आखिर क्या वजह थी आपके कांग्रेस छोड़ने की? सबसे पहली वजह थी अहंकार, शलाकार और भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ पार्टी के अंदर इतना अहंकार हो गया हमारे नेताओं को कि किसी भी नए नेतृत्व को वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो सबसे बड़ा कारण है। हम कितना भी निष्ठा के साथ वहाँ कार्य करते थे उसका कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलता था, जिसकी वजह से आज हमें मजबूर होना पड़ा। चलिए, तो आपने सुना कि कांग्रेस के जो नेता थे, पूर्व नेता थे, जो भाजपा में आने वाले, उनका कहना है कि कांग्रेस छोड़ने की वजह और कांग्रेस की हार की वजह जो है अहंकार, सलाहकार और भ्रष्टाचार, ये तीन जो चीज़ें थी उसके कारण भारतीय कांग्रेस की सरकार यहाँ पर गई और उनका मोह भी कांग्रेस से भंग हुआ। अब ये भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे, मोदी जी की सरकार बनाने के लिए लोगों से आह्वान करेंगे। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, आखिर उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह क्या थी। हमारे साथ पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार की बहन जो है प्रियंका कुमारी जी भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आपके भाई कांग्रेस में मंत्री रहे और आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, क्या वजह है इसकी?
इसकी कोई वजह नहीं, उनका व्यक्तिगत सोच है, उनकी व्यक्तिगत पसंद है, मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं मेरी व्यक्तिगत पसंद है, मुझे इनका कार्यशैली, यहाँ की काम करने का तरीका, यहाँ के लोग, इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया। आपके भाई कांग्रेस में रहे, भाई ने आपको रोका नहीं कि कांग्रेस मत छोड़ के जाओ? जैसे आपको मैंने बताया कि सबका व्यक्तिगत पसंद होता है, व्यक्तिगत चॉइस होता है, वो क्यों रोकेंगे? उनकी पसंद थी कांग्रेस, मेरी पसंद है बीजेपी। कांग्रेस पिछली बार में सत्ता क्यों गंवाई यहाँ पे, क्या लग रहा है क्या वजह थी सत्ता नहीं आ पाई उनकी? इसके बारे में तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आपके भाई के हारने की क्या वजह थी? कांग्रेस में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कांग्रेस में एक चीज़ बहुत देखने को मिलती है, लाइक पुलिंग जिसको कहते हैं, बस जिसकी वजह से शायद एक दूसरे की आपसी बातों में हुआ। चलिए, ये थी प्रियंका जी, थोड़ा सा राजनीति में आ गई हैं, पर राजनीतिक बात करने से थोड़ी सी बचती हुई नजर आई, और उनका कहना है कि कांग्रेस जो हारी है उसकी वजह ये है कि आपसे गुटबाजी, आपसे जो राजनीति है उसके कारण कांग्रेस हारी है, और यही वजह है कि कांग्रेस के लोगों का जो मोह है वो भंग हो रहा है, और लोग स्वस्फूर्त होकर राष्ट्र के बारे में सोचने वाली भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, मोदी जी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमको सुझाव देना ना भूलें। और मुझे कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा को दे इजाज़त, नमस्कार।